कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार है? तो चलिए आज हम एक मज़ेदार कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक लड़की और उसकी मम्मी वहाँ पे रहते थे। उनके पापा, जब वो लड़की बचपन छोटी ही थे, उसके पापा मर जाते तो उसकी वो अपने मम्मी के साथ उस गांव में रहती थी। और उन लोग बहुत ही गरीब थे, क्योंकि उनकी मम्मी क्या करती थी, ऐसे आजू बाजू के गांव में जाके छोटे छोटे काम, किसी किसी के घर में जाके ऐसे छोटे मोटे काम वो करती थी और उसी से वो पैसे कमाती थी, उसी से उनका गुजारा होता था। इसके लिए वो बहुत ही गरीब थे और उनके पास जो पैसे वो कमाते थे वो खाने पीने इसी में खर्च हो जाता था। और वो इसके लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी में अलग से वो रहते थे। और पता है उनके घर में एक लैंप, एक रोशनी का वो लाइट को भी वो खरीद नहीं सकते थे, उन लोग इतने गरीब थे। तो एक दिन क्या होता है, उसकी मम्मी अचानक बहुत बीमार हो के मर जाती है। तो वो लड़की बहुत ही रोने लगती है, वो घर के बाहर बैठ के वो रो रही होती है कि मैं क्या करूँगी तो करके। तो वो गांव वाले उसके घर के पास आते हैं और वो उसको देखते हैं, उस लड़की को रोते हुए। तो उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो बाहर बैठ के? तब वो लड़की बोलती है कि ऐसे मेरी मम्मी मर गई है, मैं क्या करूँगी करके। तब वो सब ने बोला कि ठीक है, तुम रो मत, तुम्हारे मम्मी के साथ जो जो कुछ करना होगा उसको हम करेंगे करके। तो फिर वो गांव वाले मिलकर उनकी मम्मी के शरीर को गाड़ देते हैं और वो सब जो भी काम करना होता है करके ख़त्म करते हैं। तो फिर उसके बाद उस गांव का जो मेन मुखिया होता है, जो पंचायत, वो सब क्या करते हैं, वो पंचायत बुलाते हैं कि सब लोगों, गाँव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उस लड़की को सामने खड़ा करके सबसे बोलते हैं कि ये ऐसे गांव के यहाँ रहती थी, इसकी मम्मी मर गई है और ये बहुत ही गरीब थी, इसके लिए हमें कुछ अच्छा करना है करके। उसकी मम्मी एक ही उसके साथ रहती थी अकेले, वो भी मर गई है, तो इसके लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना है करके वो मुखिया बोलते हैं। तो सब लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि इस लड़की को हम गोद ले लेते हैं, आप हमको दे दीजिए करके। और एक उस गांव में जो मछुआरे थे गरीब, वो भी बहुत गरीब मछुआरे थे, वो भी आके बोलते हैं कि देखिए साहब, हमारे पास, हमारी शादी इतने दिन हो चुके हैं, हमारे शादी के इतने दिन हो गए, लेकिन फिर भी हमारे पास, हमें बच्चा नहीं हुआ, इसके लिए आप इस लड़के को हमें गोद लेने दीजिए, हम इसको अच्छे से रखेंगे, हम मेहनत करके भी इसको अच्छे से रखेंगे और हमें ये काम में भी मदद करेगी। और उस वहीं पे एक अमीर आदमी, वो भी आके बोलता है कि अरे आप इस लड़की को मुझे गोद लेने दीजिए, मेरे पास भी कोई बच्चा नहीं है, तो मैं इसको गोद लूँगा तो इसको मैं महारानी की तरह रखूँगा, इसको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, ऐसे करके बोलते हैं। और भी सब लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। तब वो सब सोच रहे होते कि क्या करना है करके। तो फिर वहाँ पे थोड़े दूर से एक आदमी पूरा क्या करता है, ब्लैंकेट से अपने आप को पूरा चादर से ओढ़े हुए होता है, वो वहाँ से चल के आ रहा होता है, वो वहाँ पे बीच में आके खड़ा हो जाता है। तो सबकी नज़र उस आदमी के ऊपर जाती है। तब वो आदमी बोलता है कि मैं बाजू के गांव में रहता हूँ और मुझे पता चला कि यहाँ पे पंचायत हो रहा है, तो यहाँ पे पंचायत इकट्ठा हुआ है सब लोग, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या करके वो आदमी पूछता है। तब वो मुखिया बोलता है कि हाँ बोलिए, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं बोलिए करके। तब वो बोलता है कि इसी रास्ते से मैं बहुत साल पहले यहाँ से गुजर के कार से गुजर के मैं यहाँ से जा रहा था, तो मैंने देखा कि उस गाँव में एक घर जल रहा था, आग से पूरा चारों आजू बाजू आग थे, तो मैंने देखा कि अंदर वहाँ पे ये लड़की और उसकी मम्मी अंदर फंसे हुए थे उस आग में। तो मैंने क्या किया, मैं कार से उतर के उन दोनों को मैंने बचाया, और उनको बचाते हुए मेरे पूरे शरीर में क्या हो गया, वो जलने का निशान, पूरा मैं जल गया था उस टाइम पे करके। वो ऐसा बोल के क्या करता, अपने ब्लैंकेट, अपने चादर को ऐसे निकाल कर दिखाता, तो उसके शरीर में पूरा उस जलने का निशान, पूरा ऐसे काला काला पूरा ऐसे था। तब वो बोलता है आदमी कि इस लड़की को तो मुझे ही गोद लेना है, मेरा ही अधिकार है, क्योंकि मैंने उसे उस दिन बचाया था और मैं तो काफ़ी अमीर आदमी हूँ, मेरा बाजू वाले गांव में घर है,
मैं वहाँ पे, मेरे नीचे बहुत सारे नौकर लोग हैं और मैं इस लड़की को महारानी की तरह, बिल्कुल रानी की तरह मैं रखूँगा, तो आप मुझे इसे मुझे गोद लेने दीजिए करके वो आदमी बोलता है। तब फिर वहाँ पे मुखिया वो सब डिसाइड करते हैं, बातचीत आपस में बातचीत करके बोलते हैं कि अरे हाँ, आपने, आपका ये अधिकार बनता है क्योंकि आपने इस लड़की को बचपन में ही बचा लिया था, तो आप इसे आप गोद ले लीजिए करके वो उसको, उनको गोद लेने देते हैं। और वो भी उनको गोद ले लेते हैं उस लड़की को, और उस लड़की को बिल्कुल खुश रखता है और बिल्कुल वो महारानी की तरह वहाँ पे रहती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिला? तो ऐसे ही यीशु मसीह भी हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारे अपराधों के लिए वो कुचला गए, वो घायल हुए, उन्होंने हमारे दंड को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। सारे दुख, रोना, बीमारी, श्राप, पाप, ये सबको उन्होंने क्रूस पर सह लिया हमारे लिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमें एक अच्छी जीवन जीना है, खुशी वाला जीवन जीना है। आजकल दुनिया में हमें क्या करेगा, दुखी जीवन, दुनिया की चीज़ें सब हमें मिटाने की कोशिश करेंगी हमें। तो यीशु मसीह ने इतना दुख, इतना हमारे श्रापों को क्यों अपने ऊपर ले लिया? ताकि आज हम खुशी वाला जीवन बिताए, ताकि आज हम यीशु मसीह के साथ अपना जीवन बिताए, है ना। हमारा जीवन जब हम यीशु मसीह के साथ बिताते हैं तो ही वो खुशी भरा, आनंद भरा, आरोग्यता से भरा होता है वो जीवन, है ना। क्योंकि जैसा वचन कहता है यशाया 53:5 में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो उन्होंने, यीशु मसीह ने आपके मेरे सारे दंड को अपने पर ले लिया ताकि हमें शांति मिले, शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, आनंद देने के लिए, भरपूरी जीवन देने के लिए, है ना। तो यीशु मसीह अभी भी, आज भी, अभी आपको प्रेम से बुलाते हैं। अगर आप यीशु मसीह से दूर हो तो यीशु मसीह आपको आज भी बुला रहे हैं, है ना। यीशु मसीह कितने प्रेमी हैं, उन्होंने हमारे लिए सारा दुख अपने ऊपर ले लिया, सब कुछ सह लिया, हमारे कारण वो कुचला गए। तो वो आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं, तो उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु मसीह के पास अपना जीवन, यीशु मसीह के साथ हमें जीवन बिताना है, वही जीवन भरपूरी वाला जीवन है। तो यीशु मसीह आप सबको प्रेम से बुलाते हैं, है ना। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको कहानी अच्छा लगा होगा। तो हम अगली बार मिलेंगे। बाय।